हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, उत्कर्ष के स्कूल शुरू हो गए हैं, बस आ जाती है अर्ली मॉर्निंग और मुझे फिर बहुत सुबह सुबह उठना पड़ रहा है। खैर, सुबह उठने से एक काम तो हो जाता है कि दिन बहुत बड़ा मिल जाता है आपको सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे में बारिश हो रही हो तो फिर तो आलस ही आता है ना। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ, पता नहीं क्यों, समहाउ मैं रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ। रात में अगर मेरी नींद लग गई है और वो किसी की वजह से ना टूटे तो मैं फिर सीधे सुबह ही उठती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ और आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए, जब मुझे जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो मैं अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मेरी नींद उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही खुद से अपने ऐसे खुल जाती है। क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं मालूम। अगर मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया है तो डेफिनेटली मैं 4:10 पे तो उठ ही जाती हूँ, मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद इस हदस में कि अब अलार्म बजेगा मैं दोबारा नहीं सो पाती हूँ। मतलब समहाउ मेरी एक बार नींद खुल गई तो फिर खुल गई। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने अलार्म नहीं लगाया है और आपने अगर अपने आप को अलर्ट कर लिया है ना तो आपकी ज़रूर से नींद खुलेगी। ये भी मैंने देखा है कि कभी पहले मैं अलार्म कभी नहीं लगाती थी, बट अपने मन में एक बार बोल देती थी ना कि हाँ सुबह जल्दी उठना है, इतने बजे उठूंगी तभी काम हो पाएगा, और सच में मेरी उतने बजे ही नींद एकदम टूट जाती थी, एकदम खुल जाती थी। मतलब मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या होता है? आई थिंक इसका रीज़न होता है हमारा माइंड, जो हमेशा अलर्ट होता है। वही तो हमारी बॉडी को कमांड करता है, वही जो है हैंडल करता है पूरी तरह से हमारी बॉडी को, हमारी सारी गतिविधियों को। अच्छा, जब भी कभी हम लोगों को कहीं चोट लग जाती है और हम जो पेन किलर लेते हैं उस दर्द को रिमूव करने के लिए, एक्चुअली में दर्द थोड़ी ना रिमूव होता है, वो पेन किलर जो है वो हमारे मस्तिष्क को उतनी देर के लिए उस दर्द से दूर कर देता है ताकि बॉडी अपने आप उस चोट को जब तक रिकवर करेगी हमें पेन का एहसास नहीं होता है। और पेन किलर के हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कभी किसी हमारे हाथ से कुछ गलत काम हो जाता है तो हमारी बॉडी अलग रिएक्ट करने लग जाती है, जिससे हम पकड़ में आ जाते हैं हड़बड़ी में, या हम अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, या आपने देखा होगा, लेकिन हमारी बॉडी जस्ट उसका अपोजिट करती है, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ गिल्ट हमारे अंदर पैदा करती रहती है। हम कितना भी कोशिश कर लें कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छा ये वो, लेकिन हमारा माइंड अलग चल रहा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग बोल रही होती है, जिससे चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। बहुत सधे हुए लोग होते हैं जो दोनों चीज़ों में बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ माइंड की बात क्यों कर रही हूँ बताती हूँ। दोस्तों, लगभग एक महीने पहले मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, उनका अचानक से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके हस्बैंड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ऑब्वियसली मैं पूछूंगी कि यार मेरा हालचाल लेते ही हस्बैंड से क्या बात करनी है। और जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई जिससे संबंध में वो बात करना चाहती थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि कुछ सालों से उनके साथ एक घटना हो रही है कि वो सडनली कहीं भी गिर जाती हैं और अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस नहीं होती हैं, 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर 20 दिन इतना ज़्यादा उनका माइंड जो है ब्लॉक हो जाता है कि वो सीधे एक तरह का शॉर्ट कोमा होता है, ये उसमें चली जाती हैं। और उनका बच्चा छोटा है, उत्कर्ष के बराबर ही उनका बेबी है। तो वो बता रही थी कि कभी एयरपोर्ट पे उनके साथ ऐसी घटना हो गई, कभी वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ हो गई, खैर जॉब तो उन्होंने छोड़ दी जब से ये प्रॉब्लम हुई। और जब वो होश में आती थी तब उनको बताया जाता था कि वो 5 दिन से 7 दिन से या 20 दिन से होश में नहीं आई हैं, 20 दिन से उन्होंने आंखें नहीं खोली हैं। और उसका रीज़न शायद ये था कि उनके मस्तिष्क में कहीं पे क्लॉटिंग हो रही थी। तो दिल्ली में उन्होंने बहुत तरह का ट्रीटमेंट कराया बट उनको उतना अच्छा आराम नहीं मिला, सो वो योगा के शरण में आना चाहती थी। और जब उन्होंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने पूरी उसकी एक थेरेपी होती है योगा थेरेपी, वो उन्हें सजेस्ट की। उसके बाद मैंने उनको एक बार बीच में फ़ोन करके हालचाल पूछा, वो पूरी थेरेपी उस टाइम पे ले रही थी। तो मैंने जानना चाहा कि जो आपके साथ इतना सडनली इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली हो रहा था उसमें कुछ सुधार हुआ या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ अभी थोड़ा सुधार है, जब से मैंने ये थेरेपी लेना शुरू की है तब से मुझे फिट नहीं आए हैं, फिट बोला उन्होंने, वर्ड उन्होंने पर्टिकुलर उसको फिट बोला, लेकिन मुझे लगता है कि फिट में आदमी थोड़ा सा गिरता है, बेहोश होता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, बट इतने इतने दिन के लिए अगर कोई बेहोश हो जाता है तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उनको इस थेरेपी से काफ़ी आराम है, काफ़ी लाभ है।
और ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि देखो पहले मैं हमेशा कई बार बता चुकी हूँ कि मैं योगा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन मैंने अपने फील्ड में कुछ चीज़ों में नोटिस किया है कि इसने बहुत लाभ पहुँचाया है, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में नोटिस किया, किसी को कैंसर हुआ था, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, किसी पोस्ट डिलीवरी के बाद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो देखो थोड़ा बहुत हम लोग इसे हल्के फुल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब किसी को आराम मिल जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उसकी बॉडी में सुधार हो जाता है, तो मुझे लगता है कि चीज़ों को ज़रूर से शेयर करना चाहिए। और मैंने भी योगा किया है, मैं कहती ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी योगा किया है दोस्तों। मैं बहुत होता है ना पोस्ट प्रेगनेंसी महिलाएं बहुत अदरक की तरह यहाँ वहाँ से कहाँ कहाँ से फैलने लग जाती हैं, कहाँ कहाँ फैट इकट्ठा होने लगता है, और खासकर आपका ऑपरेशन हुआ है तो फिर तो मत ही पूछिए, है ना, ऑपरेशन वालों के लिए तो अलग ही चीज़ें होती हैं। तो मैंने किया है योगा, एक्सरसाइज की, और मैं म्यूज़िक लगा के थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से करती थी, और काफ़ी फैट मैंने कम किया है, काफ़ी ज़्यादा मेरा पेट का तो एकदम मैंने शेप बढ़िया कर लिया है। योगा के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू ही आप इसे मान सकते हैं। और अभी मैंने लास्ट वीडियो अपनी योगा वाली डाली है, वो रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। बहुत कॉमन चीज़ें मैंने बताई हैं, और मैं चाहती तो वो टाइटल थंबनेल के बिना भी उस चीज़ को बता सकती थी, लेकिन ऐसे इतने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, एम्बेरस होते हैं अपनी बातों को लोगों को बताने में, डिस्कस करने में। तो मैं अगर इस सारे फील्ड में आ रही हूँ और आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, कोई रेमेडी बता रही हूँ और कोई टिप्स दे रही हूँ, तो क्यों ना मैं खुल के दूँ, ताकि जिन लोगों को, और ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करें, उसे देखें और चुपचाप अपना योगा आसन ये सब करने लग जाएं और लाभ उठाएं। केवल ऐसे ही क्वेश्चन या महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आंतों से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में कई बार बताया कि मेरे बच्चे के लिवर में भी प्रॉब्लम थी, आंतें भी इसकी ख़राब थी, इसकी आंतें भी ख़राब हो चुकी थी, इतना इन्फेक्शन था इसको। तो जब लोग मुझे प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं डायरेक्ट उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एट अ टाइम, आप मुझे बस ये बताइए, और फिर मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उस रूटीन को सिर्फ आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं बता सकती हूँ, मेडिसिन तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं वो रूटीन बता सकती हूँ जिससे आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको लगने लगेगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में मुझे नीचे लिखा होता है कि हम इतने महीने से ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन हमारे हमको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब सारे डॉक्टर खराब होते हैं भाई, किसी किसी की बॉडी में चीज़ें नहीं सूट करती हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके नीचे लिखा होता है कि हमको आयुर्वेद सूट नहीं करता है। अब मैंने तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया है, मुझे एलोपैथिक सूट नहीं होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। लेकिन परहेज मैं बता सकती हूँ, क्या घर में आप खाइए पीजिए वो बता सकती हूँ, उसके अलावा आपको जो ट्रीटमेंट सूट करता है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो भी कुछ, वो आप करिए, आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का माहौल अलग होता है, हमारी जलवायु अलग होती है, तो हमारे खान पान में अंतर आ जाता है, तो स्वाभाविक है। अब मैं कुछ चीज़ों को मना कर दूँ, लेकिन आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ आपको उतनी गर्म चीज़ों की या हीट की ज़रूरत है, तो कैसे काम चलेगा। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सुधार करते हुए सबको देखना होता है, और सब चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती हैं, अपने बॉडी टाइप को समझना होता है। सारे खान पान से लेके दवा दारू से लेके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर तरह की एक्सरसाइज जो आप कर सकें। और जिम वगैरह की एक्सरसाइज को मैं उतना प्रमोट नहीं करती हूँ, नहीं बोलती हूँ। रीज़न यह है कि अगर आप उतना वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके अंदर उतना फीडबैक जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको बड़े बड़े प्रोटीन वो लेने पड़ते हैं, पाउडर लेने पड़ते हैं, बहुत हैवी प्रोटीन होता है। फिर आपका लिवर उस प्रोटीन को हजम भी तो कर पाए, है ना। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज उत्कर्ष को बताई हैं जिससे इसका लिवर भी मजबूत हो, पेट स्ट्रांग बोलते हैं उसको। और जब भी मैं पेट के बारे में बात करती हूँ तो लोग उसको अलग अलग स्कूट करते हैं कि आप गॉलब्लैडर की बात कर रही हैं, कि आप किडनी की बात कर रही हैं, कि आप लिवर की बात कर रही हैं, कि आप आंतों की बात कर रही हैं। अरे भैया, हमारे पेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक चीज़ इफेक्टेड होती है तो दूसरी चीज़ में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि जैसे हम लोग जो फिल्टर यूज़ करते हैं, पानी वाला वाटर फिल्टर, उसमें 3 से 4-5 फिल्टर होते हैं। कई तरह के फिल्टर आपने देखे होंगे कि मशीन के अंदर 3 फिट है और एक बाहर भी लटक रहा है। तो क्यों, अगर बाहर वाला फिल्टर खराब हो गया है, किसी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जब वर्क ही नहीं कर रहा तो अंदर वाले फिल्टर पे तो जोर पड़ेगा ना। वही सेम चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं कि अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो आपकी आंतें भी इफेक्टिव होंगी, फिर अगर आपकी आंतें और लिवर दोनों उसके जोर में आ गया, आपको फिर हीट के कारण बॉडी में बुखार बना रहने लग जाएगा, कमजोरी आने लग जाएगी, तो आपकी बाकी की चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। लिवर की वजह से आपकी आँखें, आपके दाँत, सभी चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, आपका आपके बाल, जो लोग बोलते हैं ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है, हो सकता है आप जो खा पी रहे हैं चटर पटर वो पच ही ना रहा हो,
तो आपके बाल कमजोरी की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बहुत तरह की चीजें हैं, ये गुत्थम गुत्थी एक दूसरे से जो है संरचना जो है वो जुड़ी हुई होती है। हम उसको उतना इजीली नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि अगर एक चीज इफेक्टेड हो रही है तो दूसरी तीसरी चीज भी उसी से जुड़ी होती है, वो भी जरूर से प्रभावित होगी। इसलिए समय रहते हमें सब चीजें करना बहुत जरूरी होती है। तो मैंने जो लास्ट अपना योगा वाला वीडियो डाला है उस पर आप लोगों ने इतना सारा थैंक यू दिया है, कई लोगों ने मेंशन किया है कि हाँ उनके घर में भी उनके फैमिली मेंबर्स को ये प्रॉब्लम है, बट यही है ना कि लोग डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं, थोड़ा एम्बेरेस होते हैं। मैं भी एक एज में बहुत सारी चीज़ों को भोग चुकी हूँ तो मुझे भी बताने में बहुत संकोच होता था, लेकिन जब से मुझे इन सब चीज़ों से आराम पहुँचा है मैं खुल के चीज़ों बता देती हूँ कि हाँ मैंने ये किया है, मुझे ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखो अगर मुझे लाभ मिला है ना तो मैं चाहती हूँ कि सबको लाभ मिल जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, है ना। बाकी मैं भगवान या डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आप लोगों का नाड़ी वाड़ी देख के या आला से चेकअप करके तब बता पाऊँ, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबको फ़ायदा करती हैं, सबको, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको फायदा करती हैं। तो वही बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर से याद दिला देती हूँ, है ना। आप लोगों को सबको मालूम है लेकिन मैं याद दिला देती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही बताती चलूँ। और साथ में मेरी फ्रेंड का वाक्या जब मुझे याद आया, और मैं भी यही सोचती रहती हूँ ना कि यार बिना अलार्म के मैं कैसे उठ गई। तो मस्तिष्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिलैक्स मिलना चाहिए, और कभी कभी ऐसी उथल पुथल उलझन होती है कि हम चाह के भी नहीं सो पाते हैं और फिर हमें थोड़ी सी नींद की दवा या इस तरह का कुछ लेना पड़ता है। तो इन सभी गतिविधियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, उसके लिए अवेयर होना है, कंसल्ट करना है और उसे दूर करना है। सो दोस्तों आज की अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।